विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत वीडियो में हमने माग में विस्तार संकुचन, उसके बाद माग में वृद्धि कमी और उसके अलावा हमने व्यक्तिगत माग और बाजार माग का समावेश किया है। तो अभी हम देखते हैं कि बाजार में माग में विस्तार संकुचन के महत्वपूर्ण मुद्दे या के मुख्य मुद्दे कौन से हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि माग में विस्तार संकुचन वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन पर आधारित है, यानी वस्तु की कीमत अगर बदलेगी या बढ़ेगी तो माग में संकुचन होगा, और वस्तु की कीमत घटेगी तो माग में क्या होगा, विस्तार होगा, ये आपको बताना है। दूसरा पॉइंट है कि वस्तु की कीमत के अलावा के परिबल यहाँ स्थिर रहेंगे, यानी वस्तु के कीमत के अलावा जो परिबल होते हैं वो सारे परिबल यहाँ पर स्थिर होंगे, उनका यहाँ कोई रोल नहीं होगा। और उसके बाद है तीसरा पॉइंट है कि इसमें माग रेखा में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, यानी माग रेखा जो है इसमें एक जैसी रहेगी या एक ही प्रकार से रहेगी। अब आपको मैं इसे आकृति के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ आप देखिए कि वाई पर कीमत दर्शाया है 10, 20, 30 और 40 रुपए में, और एक्स अक्ष पर मांग दर्शाया हुआ है इकाई में, एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, चार इकाई और पांच इकाई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कीमत की वजह से परिवर्तन बताना है। तो अपने इस तरह से देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो उस समय मांग कितनी इकाई है, 5 रुपए है, और उसके बाद जब वस्तु की कीमत 20 रुपए हो जाती है तो उस समय मांग कितनी हो जाती है, 3 इकाई हो जाती है, और उसके बाद जब वस्तु की कीमत 30 रुपए हो जाती है तो वस्तु की मांग कितनी हो जाती है, 1 इकाई हो जाती है। तो अब आप समझिए कि 30 रुपए कीमत पर वस्तु की मांग 1 है और 20 रुपए कीमत पर वस्तु की मांग 3 है। ये जो बिंदु है ए और बी, ये दर्शाता है माग में संकुचन की, माग में कमी दर्शा रहा है। और उसके बाद जब वस्तु की कीमत 10 रुपए हो जाती है तो वस्तु की मांग बढ़कर के 5 हो जाती है, यानी 3 इकाई से सीधा कहां पहुंच जाती है, 5 इकाई पर। यहां पर 3 इकाई से 1 इकाई पर जा रही है और यहां 3 इकाई से 5 इकाई पर जा रही है। तो इस तरह से ये वाला जो है बी और सी, ये क्या माना जाएगा, ये वस्तु की मांग का विस्तार माना जाएगा, विस्तार कहा जाएगा। और इस तरह आप देख रहे हैं कि इसमें मांग रेखा इसमें एक ही प्रकार से है, मांग रेखा में कोई परिवर्तन नहीं है, इसको हम डीडी रेखा या मांग रेखा कहेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको परीक्षा में अगर अंतर भी आता है तो आप समझाने के लिए दो पॉइंट आप अलग अलग समझा सकते हैं, माग में विस्तार संकुचन, और उसके लिए आप इसमें 4 पॉइंट आप बना सकते हैं। ये मैंने 3 पॉइंट लिखा है और एक मैंने आकृति के द्वारा से समझाया है। अब चलें इसी तरह से हम समझें माग में वृद्धि और कमी। अब माग में वृद्धि और कमी के भी देखिए 3 पॉइंट हमने लिखे हैं कि यहां पर कीमत के अलावा अन्य परिबलों में परिवर्तन पर आधारित है, बराबर, कि माग में वृद्धि कमी जो है यह कीमत के अलावा अन्य परिबलों पर आधारित है या उनके परिवर्तन पर आधारित है, जबकि वो कीमत पर आधारित था। फिर यहां पर है कि वस्तु की कीमत यहां स्थिर रहती है, और यहां पर क्या होता है कि कीमत के अलावा अन्य परिबल स्थिर रहते हैं, तो अंतर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। यहां पर मांग रेखा कैसी होती है, परिवर्तन उसमें नहीं होता है, और यहां पर मांग रेखा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब इसको हम आकृति से समझेंगे। तो देखिए आकृति हमने बनाया, इसके वाई एक्स पर कीमत दर्शाया है और एक्स एक्स पर मांग दर्शाया हुआ है। कीमत आपको 10 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक है, और मांग की इकाई 1 इकाई से लेकर के 5 इकाई तक है। अब यहां पर वस्तु की कीमत स्थिर हो गई है 20 रुपए, न 20 रुपए से कम न 20 रुपए से ज्यादा, तो यहां पर वस्तु की कीमत स्थिर हो गई है। अब मांग में कमी वृद्धि हो रही है फिर भी, क्यों, क्योंकि अन्य परिबल हैं, ग्राहकों का जो है पसंदगी है, या इसके अलावा दूसरे अपने जो और भी विकल्प हैं या परिबल हैं मांग को असर करने वाले, तो ऐसे किसी भी अवेजी असर है कि जिसको अपने कहते हैं स्थानापन्न असर कहते हैं या पूरक असर कहते हैं, ऐसा कोई भी कारण हो सकता है। तो उस कारण से, तो जब मांग 20 है
तो उस समय वस्तु की सॉरी जब कीमत 20 है उस समय वस्तु की मांग कितनी इकाई है, 3 इकाई है, ये अपनी कंडीशन है। अब क्या होता है कि अब किसी भी कारण से ग्राहकों के कीमत के अलावा अन्य किसी परिबल की वजह से क्या हो जाता है, मांग बढ़ जाती है और उसी 20 रुपए पर मांग कितनी हो जाती है, 4 इकाई हो जाती है। तो ये जो मांग बढ़ी ये कीमत की वजह से नहीं बढ़ी, ये मांग कीमत के अलावा अन्य परिबल में परिवर्तन होने से बढ़ी, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, मांग में क्या कहेंगे, वृद्धि। इसका नाम हमने ये मूल रेखा है मांग की, इसको हम डीडी रेखा बता रहे हैं, इसको हम मांग रेखा बोल रहे हैं, और ये जो वृद्धि हुई उसको हम D1 रेखा नाम दे रहे हैं, तो ये DD1 रेखा है, तो ये रेखा वृद्धि बता रही है। अब अगर मान लो 20 रुपए पर मांग 3 इकाई है और किसी भी कारण से कीमत के अलावा अन्य कोई प्रबल प्रभावित होता है और प्रभावित होने से वस्तु की मांग घट जाती है और घट करके कितनी हो जाती है, यहाँ पर D2 यानी कौन सी बिंदु पे आ जाती है, 2 इकाई, घटकर 3 इकाई से 2 इकाई हो जाती है। अब यहां देखो कीमत का कोई रोल नहीं, कीमत अपनी जगह कैसा है, स्थिर है, लेकिन अन्य प्रबल की वजह से मांग एक बार बढ़ी और इधर मांग घटी। तो अगर किसी भी कारण से मांग घटती है कीमत के अलावा तो उसे हम कहेंगे मांग में कमी, इसको हमने दर्शाया D2 रेखा से। तो आप देखिए यहां मालूम पड़ गया आपको कि यहां पर मांग रेखा में क्या पाया जाएगा, परिवर्तन पाया जाएगा, मांग रेखा यहां पर बदलेगी, और जबकि उपरोक्त में क्या देखा था, मांग रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मांग रेखा जैसी ही है वैसी रहेगी। अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो, अगर कीमत के अलावा के तत्व में परिवर्तन होता है तो मांग रेखा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो विद्यार्थी मित्रों आपको मांग में विस्तार संकुचन, मांग में वृद्धि कमी, एक चीज आपको अंतर में पूछा जाए तो भी आप इस तरह लिख सकते हैं, और आपको एक एक चीज पूछा जाए तो अभी आप टिप्पणी के रूप में अच्छी तरह से इसको समझा सकते हैं। आगे सीखते हैं अब इसके बाद हम, यह है व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। तो व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग के बारे में इसकी परिभाषा देखिए, पहले किसी निश्चित समय में कोई एक व्यक्ति या ग्राहक द्वारा बाजार में अलग अलग कीमतों पर वस्तु की मांग को व्यक्तिगत मांग कहते हैं। यहां पर अलग अलग कीमत होगी और उस कीमत की वजह से उस ग्राहक की मांग बदलती रहेगी, तो इस तरह से उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत मांग कहेंगे। और अगर हम बात करें बाजार मांग की तो फिर इसके लिए हम ये कहेंगे कि बाजार में तमाम व्यक्तियों, क्योंकि एक ही व्यक्ति बाजार में नहीं होता है, कई व्यक्ति होते हैं, कई ग्राहक होते हैं, तो जितने भी हैं तमाम व्यक्ति या ग्राहकों के द्वारा, आगे आगे की लाइन वही सब रिपीट हो जाएगी, द्वारा बाजार में अलग अलग कीमतों पर वस्तु की मांग को क्या कहेंगे, बाजार मांग। अब यहां पर मांग के योग को, यानी सभी, जैसे मान लो 3 व्यक्ति है, 3 ग्राहक है, तो तीनों का जो कुल मांग होगा वो कुल मांग क्या कहा जाएगा, वो कुल मांग को हम कहेंगे बाजार मांग कहेंगे। इस तरह से बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग ये दोनों हो गया। अब इसे हम एक आकृति के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहां देखिए पहले हमने अनुसूची बनाया है, तो यहां पर अनुसूची हमने इस तरह बनाया है कि वस्तु की कीमत है रुपए में, उसके बाद पहला ग्राहक जिसका नाम ए है, उसके बाद दूसरा ग्राहक जिसका नाम बी है, उसके बाद तीसरा ग्राहक जिसका नाम सी है। हमारे पास 3 ग्राहक हैं, तो तीनों ग्राहकों की ये व्यक्तिगत मांग है बराबर, और फिर तीनों को हमने जोड़ दिया तो बाजार मांग यानी तीनों का योग कर दिया। देखिए यहां पर जैसे दिया है कि जब वस्तु की कीमत 10 रुपए है तब ए नाम का ग्राहक 1 इकाई मांग करता है, बी नाम का ग्राहक जो है 2 इकाई मांग करता है, सी ग्राहक जो है वो 3 इकाई मांग करता है, और तीनों मिलकर के 6 इकाई मांग करते हैं। तो ये जो 6 इकाई है इसे हम क्या कहेंगे, बाजार मांग कहेंगे। अब देखिए जब कीमत घटकर 8 हो गई तो ए ग्राहक जो है वो क्या मांगता है, 2 इकाई, बी ग्राहक मांगता है 3 इकाई, सी ग्राहक मांग करता है 4 इकाई, और तीनों मिलकर मांगते हैं 9 इकाई। उसी तरह से जब वस्तु की कीमत घट करके 6 रुपए हो जाती है तो एक ग्राहक 3 इकाई मांग बढ़ा देता है और ये बढ़ा करके 4 इकाई कर देता है, सी बढ़ा करके 5 इकाई कर देता है, और तीनों का बढ़ा हुआ मांग हो जाता है 12 इकाई। आपका नियम लागू है यहाँ पर, जो नियम मांग का है, कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है, वो नियम लागू रहेगा। और उसी तरह से जब वस्तु की कीमत 4 इकाई हो जाती है तो
तो ए व्यक्ति अपनी मांग बढ़ा करके क्या कर देता है, 4 इकाई कर देता है। सी ग्राहक अपनी मांग बढ़ाकर 5 इकाई कर देता है, बी इकाई, और सी जो ग्राहक है वो अपनी मांग बढ़ा करके 6 इकाई कर देता है। इस तरह ए और बी और सी तीनों मिलकर के अपना मांग बढ़ा के कितना कर देते हैं, 15 इकाई। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत घटी वैसे वैसे मांग में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये तीनों, ये देखो व्यक्तिगत मांग है, ये भी व्यक्तिगत मांग है, ये भी व्यक्तिगत मांग है, और जब तीनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, बाजार मांग बन गया। अब इसे हम मांग रेखा के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक आलेख बनाया और उसी में तीनों का समावेश कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर 4 आलेख बना सकते हैं, ए ग्राहक के लिए अलग से बनाए, बी के लिए अलग से बनाए, सी के लिए अलग से बनाए, कुल मांग के लिए अलग से बनाए। तो हमने यहाँ पर जो है चारों आलेख को एक में ही दर्शा दिया इसके अंदर। तो देखो वाई एक्स पर हमने 2 रुपए से लेकर के 12 रुपए तक का हमने यहाँ कीमत दर्शाया है, और एक्स एक्स पर हमने 1 से लेकर के यहाँ 16 इकाई तक मांग हमने दर्शा दिया है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम मांग कितनी है, 15 है, तो हमने 16 तक दर्शा दिया है, और यहाँ पर मैक्सिमम भाव क्या है, 10 रुपया है, तो हमने 12 रुपया तक हमने दर्शा दिया है। तो अब इसमें हम एक एक करके पहले ए काम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके अंदर कि 10 पर ए ग्राहक कितना मांग करता है, 1। तो ये देखो 10 पर 1, इस तरह से इसको आप चेक करेंगे तो 10 पर ये 1 इकाई इस पर मांग कर रहा है, और 8 पर कितना कर रहा है, ये 8 पर कर रहा है 2, तो ये 8 पर 2। उसके बाद 6 इकाई पर कितना मांग कर रहा है, 3, और उसके बाद जो है 4 पर कितना मांग कर रहा है, ये 4। इस तरह से ये 4 बिंदु मिले, 1 2 3 4, ये 4 बिंदु मिलेंगे, और ये चारों बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो एक ही मांग रेखा बन गई। आप बनाएंगे आलेख तो आपको इस तरह से ख्याल आएगा, तो एक ही मांग रेखा तैयार हो गई। अब बी का ध्यान मिलेंगे, बी 10 इकाई भी कितनी मांग करता है, 2, तो यहां पर 10 पर कितना होना चाहिए, 2, ठीक है, ये रहा 2 10 पर। फिर 8 पर 3 है, तो देखिए 8 पर 3 है। फिर उसके बाद इसका 6 पर 4 है, तो देखिए 6 पर 4 आया, और उसके बाद इसका है 4 पर 5 इकाई है, तो देखिए 4 पर 5 इकाई है। फिर इसको हमने जोड़ दिया तो ये बी नाम के ग्राहक की मांग रेखा बन गई, ए की मांग रेखा हो गई, बी की मांग रेखा हो गई। अब सी की, सी जो है 10 इकाई पर 10 रुपए की कितनी मांग करता है, 3, ये देखिए 10 पर 3 आ गया। फिर 8 पर कितनी मांग करता है वो, 4, तो 8 पर 4 आ गया। फिर उसके बाद वो 6 पर कितनी मांग करता है, 5, तो ये देखिए 6 पर 5। फिर उसके बाद वो कितनी मांग करता है, 4 पर 6, तो ये 4 पर 6, और इस तरह इसको हमने जोड़ दिया तो अब ये मिलकर के कितना हो गया, सी की। तो इस तरह हमने देखा कि तीनों ग्राहकों की हमने मांग रेखा बना दिया, ए की मांग रेखा, बी की मांग रेखा, सी की मांग रेखा, और तीनों का देखो ऋण ढाल है, माइनस ढाल है, जो बता रहा है कि मांग और कीमत में क्या संबंध है, व्यस्त संबंध है। तो इस तरह से तीनों की हमने मांग रेखा तैयार कर दी। अब इसके बाद कुल मांग हम निकालेंगे, तो बाजार मांग के लिए हमने ये देखिए 10 इकाई पर 10 रुपए पर 6 इकाई है, ये देखिए 10 रुपए पर 6 इकाई आ गया। उसके बाद है 8 रुपए पर 9 इकाई है, तो 8 रुपए पर 9 इकाई आ गया। उसके बाद है 6 रुपए पर 12 इकाई, तो 6 पर 12, और उसके बाद है 4 पर कितना है, 15, तो ये 4 पर आपका 15 हो गया यहाँ पर, और इस तरह से मांग रेखा बनाया। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि यहाँ पर जो व्यक्तिगत मांग रेखा है, ए ग्राहक, बी ग्राहक, सी ग्राहक, तो इसका ढाल ज्यादा है, देखिए आप देख पाएंगे इसके अंदर। लेकिन जो बाजार मांग है उसमें ढाल कम दिखेगा आपको, ये ढाल थोड़ा इनसे कम है, क्योंकि ये कुल मांग दर्शा रहा है। तो इस तरह से कुल मांग रेखा में ढाल आपको क्या रहेगा, इनकी अपेक्षा कम ढाल दिखाई देगा, लेकिन रहेगा ये ढाल, क्योंकि यहां भी वही नियम लागू होगा कि कीमत घटेगी तो मांग में विस्तार और कीमत बढ़ेगी तो मांग में संकुचन। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से एक आलेख के द्वारा और ये मांग की सूची के द्वारा और कीमत की सूची के द्वारा मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया इसके अंदर। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसके अंदर व्यक्तिगत मांग, ए और बी और सी की व्यक्तिगत मांग, और तीनों को मिला करके बाजार मांग, और उसके बाद उसके आधार पर आप ये जो है आलेख बना करके और अच्छी तरह से इसको समझा सकते हैं। और आप इसके अंदर भी 2 से 3 मार्क या 4 मार्क में जो भी टिप्पणी आती है आसानी से लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।